गुड इवनिंग, कैसे आप लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और हैप्पी होंगे। तो गाइज, हर घर में गणपति जी आए, हर मंदिर में आए हुए हैं, हर जगह पे, तो बहुत ज़्यादा खुशी मनाई जा रही है, उत्साह मनाया जा रहा है और उनका बहुत धूमधाम से स्वागत किया जा रहा है। और बहुत लोग इतना खुश हैं, इतना ज़्यादा स्वागत है और इतनी अच्छी डेकोरेशन कर रहे हैं कि क्या ही बताऊँ। मैं अभी आई हूँ तो मैंने सोचा इस बार चलो आरती में शामिल होते हैं और आप लोगों को भी आरती में शामिल करते हैं। तो अभी गणपति जी की आरती स्टार्ट होने वाली है बस थोड़ी देर में, तो मैं आ गई हूँ मंदिर गणपति जी की। और ये मंदिर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है, बट बहुत अच्छा है। हम लोग पहुंच चुके हैं गणेश जी के मंदिर में और देखिए गणेश जी के दर्शन भी हो रहे हैं हम लोगों को। तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर और बहुत प्यारे से गणेश जी आए, तो गणपति बप्पा मोरिया, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इतना उत्साह, इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा है, मतलब एकदम मन खुश हो गया गणपति जी को देख के। और अब इनकी आरती शुरू होने वाली है, तो इसलिए इनका जनेऊ वगैरह है ये सब चीज़ें ठीक की जा रही हैं। तो अभी आरती ये स्टार्ट हो जाएगी थोड़ी देर में ही, और सब लोगों को आमंत्रित भी किया जाता है कि सभी लोग आएँ और आरती में शामिल हों। इस तरीके से मतलब सबको बुलाते भी हैं, अलाउंस भी होता है, इस तरीके से सबको बुलाया जाता है। आस पड़ोस के जितने लोग हैं सब लोग आरती में शामिल होते हैं और काफ़ी ज़्यादा रौनक बढ़ गई है, इतना ज़्यादा मतलब रौनक बढ़ रही है, मैं आपको अभी दिखाऊंगी भी। तो काफ़ी सभी लोग इतना आरती में शामिल होंगे अभी, और बहुत ज़्यादा उत्साह के साथ में आरती मनाई जाती है। और अभी गणपति जी को मतलब ठीक किया जा रहा है, उनकी चीज़ों को ठीक किया जा रहा है और उनके प्रसाद की भी तैयारी होगी, सारी चीज़ें जो आरती वगैरह होती है उन सब चीज़ों को। तो ये अंकल जी है ना, ये अंकल जी ही मतलब स्थापना करवाई है इन्होंने ही, और गणपति जी का सब यही देख रेख कर रहे हैं, तो इन्हीं के हाथ में ही सब कुछ है। तो ये आरती वगैरह भी यही करेंगे अभी, और इनकी वाइफ है वो भी आएंगी अभी आरती करने के लिए। तो सब लोग इतना मतलब टाइम होता जा रहा है, वैसे ही सबकी उत्साह भी, आस पड़ोस के सभी लोग मंदिर में आ चुके हैं और तैयारियां भी स्टार्ट हो चुकी हैं, तो प्रसाद भी अभी बन के आने ही वाला है। तो इन लोगों ने अभी सिर्फ पूजा का ही तैयारी की और प्रसाद भी आ चुका है। तो ये जो आज के प्रसाद में इन्होंने जो है ना वो तहरी बनाई है, तो आज गणपति जी का जो भोग है ना वो तहरी से लग रहा है, क्योंकि हर रोज़ जो नाश्ता होता है, जो मतलब भोग होता है, वो चेंज हो जाता है गणपति जी का, तो कहीं कुछ बनता है कभी कुछ बनता है, तो ऐसे ये 11 दिन तक इनका ऐसे ही चेंजेस होते जाएंगे। तो ये भोग लगता है, ये अभी जल से इनको किया जा रहा है, तो मतलब जल चढ़ा रहे हैं। तो ये सब जो पूजा ना, ये मतलब अंकल जी कर रहे हैं, पंडित जी ना वो करवा रहे हैं काफ़ी, तो वो बोलते जा रहे हैं, पूजा होती जा रही है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब इनको तो बहुत ज़्यादा ही सुंदर लग रहे हैं। मतलब देखे देखते हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी मूर्ति आती है, काफ़ी अच्छी अच्छी गणेश जी आते हैं, लेकिन गणेश जी की जो सुंदरता है वो सच में आप कहीं देखिए और पता चलता है कि वहाँ एक उत्साह होती है जो सब लोगों के दिल में है। और सब लोग बहुत देर से वेट कर रहे हैं, काफ़ी लोग आ चुके हैं, अब बस आरती शुरू होने ही जा रही है। तो बस अब आरती का टाइम हो चुका है और का सभी लोग आ भी चुके हैं, तो अब आरती स्टार्ट होने ही जा रही है गणपति पप्पा की। गाइस, आप लोग भी हमारे साथ आरती में शामिल होइए और उत्साह के साथ में आरती का आनंद लीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और आरती हमारी स्टार्ट होने जा रही है, तो बस अब हम लोग आरती करेंगे। ॐ चन्द्रः मनसो जातस्वच्छः सूर्यो अजायतः श्रोतात्राय प्राणस्य मुखावनिर्जायतः भर्भूर्गौरं प्रणावतारं संसारिसारं भुजगीन्द्रहारं सदावसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता तुमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा। सूर्यकोटिसमप्रभुः निर्विघ्नं कुरु मे देवि सर्वकार्येषु सर्वदा।